नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता, जो आजकल बिहार में एक पार्टी बनाकर अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। लेकिन उनकी एक पहचान चुनाव विश्लेषक के तौर पर है और उसी को लेकर प्रशांत ने अमित शाह को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को हुए 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बीजेपी यूपी में हार का कारण नहीं खोज पाई है और इसको लेकर पिछले पूरे महीने एक घमासान मचा हुआ था। लेकिन आखिरकार किसी को नहीं मिला कि आखिर बीजेपी की हार क्यों हुई। जब दिल्ली में इसको लेकर बैठक हुई, फिर लखनऊ में बैठक हुई, सभी शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा है, लेकिन नतीजा शिफर के शिफर रहा। अब उसी यूपी की हार को लेकर चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा हुआ है और कहा है कि अमित शाह और सीएम योगी की आपस की तकरार से बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ है। लेकिन इसके लिए प्रशांत किशोर एक उदाहरण देते हैं और यूपी हार की कथा उस कहानी में कहते हैं। प्रशांत उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब मैंने 2012 में वहां काम किया तो मोदी 2009 में कैंपेन इंचार्ज थे और आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनना था। उसके बाद भी गुजरात में वो सफलता नहीं मिली जिसकी बीजेपी को जरूरत थी। इसके पीछे के कारणों को समेटते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने उस कैंपेन को कुछ नहीं किया, लेकिन जो मोदी जी के समर्थक थे उनके दिमाग में ये बात रही कि अगर आडवाणी जी जीते तो मोदी जी को आगे पहुंचने में ज्यादा वक्त लग जाएगा। बस यही यूपी पर लागू होता है। योगी समर्थक समझ गए हैं कि मोदी ही पीएम बनेंगे, ऐसे में योगी को टाइम लगेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे यूपी में बीजेपी की हार हुई और क्यों हुई। जानकारी देते चलें कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो यूपी की कमान अमित शाह के हाथ में थी और योगी सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता योगी की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों के चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 36 सीटें आई हैं, जिसमें से 2 सीटें अपना दल सोनेलाल की और 1 सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी की है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें जीती हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी को झटका लगा है। इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी और कहा कि अमित शाह और योगी की लड़ाई में दूसरे ने बाजी मार ली है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।